मेरा गांव मेरा देश देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ वाशिम चहल। आज जो सदन में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक अति महत्वपूर्ण विषय जिससे देश के युवाओं का, करोड़ों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, नीट के में पेपर लीक का मुद्दा राहुल गांधी जी ने जिस रूप से शालीनता से उठाया और कहा कि इस पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे सदन का एक दृष्टिकोण बने, इस बात की मांग जब उन्होंने करी तो तुरंत उस उनके प्रस्ताव को न सिर्फ अस्वीकार किया गया लेकिन उनके माइक को, वो जब बोल ही रहे थे तो माइक को स्विच ऑफ कर दिया। ये अच्छी परंपरा नहीं है, नेता विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, उसके बाद जो निर्णय उस पर लिया जाए, लेकिन उनकी बात के बीच में माइक स्विच ऑफ करना एक अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है। इस बात को लेकर मैं समझता हूं पूरा इंडिया गठबंधन, संपूर्ण विपक्ष इस बात को लेकर रोष में आया और हम आज यही मांग करते हैं सरकार से दोबारा कि इस मुद्दे पे तुरंत चर्चा हो और जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी ले। अब तो साबित हो गया कि ये पेपर लीक हुआ था नीट के इम्तिहान का, ये पेपर लीक सरकार है और सबसे ज्यादा पेपर लीक तो हरियाणा में ही हो रहे, तो जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी ले, सरकार ले।